मामा मुझे भूख लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप में जो नए देखने वाले हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम बना रहे हैं दम कीमा और ये बहुत ही मज़े का बनता है। चलें बनाना शुरू करते हैं। कीमा मैंने लिया आधा किलो और यहाँ पे मैंने एक खाने का चम्मच साबुत धनिया लिया है, एक खाने का चम्मच ज़ीरा लिया है और ये देखें दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा लिया था, इसको मैंने इस तरह तीन टुकड़ों में तोड़ लिया है। दो सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, एक बड़ी इलायची ली है, तीन लौंग ली हैं और ये चंद काली मिर्चें ली हैं, 10-12 काली मिर्चें हैं। और यहाँ पे मैंने दो खाने के चम्मच चने लिए हैं काले, ये भुने हुए जो होते हैं काले चने, और दो खाने के चम्मच खसखस ली है। आधा खाने का चम्मच मैंने लिया लाल मिर्च पाउडर, लहसुन और अदरक कूटा हुआ मैंने लिया 1.5 खाने का चम्मच, ये दो मैंने हरी मिर्चें ली थी इनको भी मैंने कुंडी में कूटा है, और दड़ा मिर्च लिया मैंने आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर लिया आधा चाय का चम्मच, नमक लेंगे हसबे जायका, और यहाँ पे एक प्याज मैंने मीडियम साइज़ की ली थी इसे फ्राई कर लिया, और ये हमने लिया आधा कप दही का। सबसे पहले ये जो मसाले हैं, ये साबुत मसाले और चने खसखस, इनको पहले मैं भून लूँगी हल्का सा। ये मैंने चूल्हे पर फ्राई पैन रखा है और फ्राई पैन में मैंने कुछ भी नहीं डाला, ये खाली हमने मसाले रोस्ट करने इसके अंदर। तीन से चार मिनट के लिए हम मसालों को रोस्ट करेंगे और मसाले जले ना, बस इस बात का ध्यान रखना। ये देखें मसाले हमारे रोस्ट हो गए, मैं इनको निकाल लूँगी। जो मसाले हमने रोस्ट किए थे अब इनको पीस लेंगे। ये देखें मसाले हमने पीस लिए हैं, कीमे में ये मसाले डालेंगे जो रोस्ट किए हुए हैं, हल्दी, लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, अदरक और लहसुन, हरी मिर्च, नमक और ये प्याज, दही डालेंगे। अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हाथ की मदद से अगर मिक्स करेंगे तो अच्छी तरह ये मिक्स होगा। एक कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रखी है, इसमें मैंने आधा कप ऑयल का डाला है। अब ये कीमा मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, इससे फिर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए अच्छी तरह मैंने ये फैला दिया। तो अब इसको मैं 1/2 घंटे के लिए दम पे रख दूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 1/2 घंटा हो गया, अब हम देखते हैं कीमे को। माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए पानी जो कीमे का निकला था वो खुश्क हो गया है। ये देखिए अच्छी तरह ये कीमा भी भून चुका है। इसको मज़ीद 2 मिनट हम और भूनेंगे। 2 मिनट हमने मज़ीद इसको भूना था। अब इसमें मैं कोयले का धुआं दे रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके ऊपर और ये मैं ढक दूंगी। 2 से 3 मिनट के लिए मैं ढकूंगी। 3 मिनट हो चुके हैं,
माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ कोयले को। सुभान अल्लाह क्या खुशबुएं आ रही हैं माशाल्लाह से। अब मैं इसको सर्व करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयार है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त दम कीमा। आप भी अपने घर में लाजमी ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। वेरी नाइस, वेरी डिलीशियस।